म्यूजिक एक बहुत ही पावरफुल चीज है। ये बॉर्डर्स और लैंग्वेजेस से परे है। ये दुनिया के हर तरह के लोगों को कनेक्ट करता है। एक सिंपल सी मेलोडी हमारे अंदर इमोशंस का एक यूनिवर्स जगा सकती है। ये हमें हंसा सकती है, रुला सकती है और हर तरह का एहसास करा सकती है। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सीधा हमारी सोल से बात करती है। म्यूजिक में हमें यूनाइट करने की ताकत है। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। जब हम साथ मिलकर म्यूजिक सुनते हैं तो हमें एक बिलोंगिंग का एहसास होता है। खासकर लिव परफॉर्मेंसेस में ये चीज और भी स्ट्रांगली फील होती है। क्राउड की एनर्जी, म्यूजिशियंस का पैशन, म्यूजिक के लिए सबका सेम लव, ये सब मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। म्यूजिक हमारी जिंदगी को एनरिच करता है। ये हमें कंफर्ट देता है, इंस्पायर करता है और खुशी देता है। चाहे हम रेडियो पर अपना फेवरेट गाना सुन रहे हों या फिर किसी ग्रैंड कॉन्सर्ट में गए हों, म्यूजिक में हमारी दिन की पूरी फीलिंग बदलने की ताकत है। ये एक ऐसा सोर्स है जहां से हमें हमेशा वंडर और डिलाइट मिलता रहेगा। म्यूजिक हमें अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करने का मौका देता है। म्यूजिक के जरिए हम दुनिया को एक बिल्कुल नए तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आइए म्यूजिक को प्ले होने देते हैं और खुद को एक इनक्रेडिबल जर्नी पर ले जाने देते हैं। एक ऐसा पीस ऑफ म्यूजिक जरूर होगा जो उस इमोशन को परफेक्टली कैप्चर करता है। म्यूजिक का मेमोरी से एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन होता है। एक फैमिलियर गाना सुनते ही हम इंस्टेंटली टाइम में पीछे चले जाते हैं। ये हमें अपने पास्ट के लोगों, जगहों और इवेंट्स की क्लियर यादें दिला सकता है। म्यूजिक हमारी लाइफ के साउंड ट्रैक की तरह है। क्या आपने कभी कोई ऐसा गाना सुना है जिसे सुनते ही आपको अपनी जिंदगी के किसी खास पल की याद आ गई हो? हो सकता है कि वो गाना किसी स्पेशल मोमेंट पर बज रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो गाना आप अपनी जिंदगी के किसी स्पेसिफिक पीरियड में बहुत सुना करते हो। म्यूजिक और मेमोरी के बीच का ये लिंक बहुत स्ट्रांग होता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारा ब्रेन म्यूजिक और मेमोरीज को सिमिलर तरीके से स्टोर करता है। जब हम अपने पास्ट का कोई गाना सुनते हैं तो ये ब्रेन के उन एरियाज को एक्टिवेट करता है। यही वजह है कि म्यूजिक मेमोरीज के लिए इतना पावरफुल ट्रिगर हो सकता है। म्यूजिक सिर्फ सुनने में ही एंजॉयबल नहीं होता है, बल्कि इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। म्यूजिक थेरेपी एक ऐसा ग्रोइंग फील्ड है जो फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव नीड्स को एड्रेस करने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल करता है। म्यूजिक स्ट्रेस कम करने, दर्द से राहत दिलाने और हीलिंग को प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन आखिर ये म्यूजिक थेरेपी काम कैसे करता है? म्यूजिक थेरेपिस्ट्स कई तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि म्यूजिक सुनना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और गाने लिखना। वो हर पेशेंट की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से अपना अप्रोच तय करते हैं। उदाहरण के लिए, एक म्यूजिक थेरेपिस्ट एंग्जायटी से जूझ रहे पेशेंट की हेल्प करने के लिए कॉलमिंग म्यूजिक और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर मोबिलिटी इश्यूज से जूझ रहे पेशेंट की हेल्प करने के लिए वो अपबीट म्यूजिक और रिदमिक एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी कई तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने में इफेक्टिव साबित हुआ है, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन मैनेजमेंट, ऑटिज्म, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। म्यूजिक थेरेपी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग को इम्प्रूव करने का एक सेफ और इफेक्टिव तरीका है,
ये हर एज और एबिलिटीज के लोगों के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। सेक्शन 5, म्यूजिक इन एवरीडे लाइफ। म्यूजिक हमारे चारों तरफ है, ये हमारे घरों में है, हमारी गाड़ियों में है, हमारे वर्क प्लेसेस में है और हमारे कम्युनिटीज में है। हम एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनते हैं, रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक सुनते हैं और इंस्पिरेशन के लिए म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक हमारी डेली लाइव्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, आप कितनी बार म्यूजिक सुनते हैं? आप सुबह उठते समय म्यूजिक सुनते होंगे, काम पर जाते समय म्यूजिक सुनते होंगे या जिम में वर्कआउट करते समय म्यूजिक सुनते होंगे। म्यूजिक एवरीडे टास्क को और ज्यादा एंजॉयबल बना सकता है और टफ टाइम्स से निकलने में हमारी हेल्प कर सकता है। म्यूजिक लोगों को एक साथ लाने का एक पावरफुल टूल भी है। कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स और दूसरे म्यूजिकल इवेंट्स लोगों को उन लोगों से कनेक्ट होने का मौका देते हैं जो म्यूजिक के लिए उनका लव शेयर करते हैं। म्यूजिक बैरियर्स को तोड़ सकता है और एक कम्युनिटी फीलिंग क्रिएट कर सकता है। अगली बार जब आप स्ट्रेस फील करें तो कुछ कालमिंग म्यूजिक सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एनर्जी बूस्ट की जरूरत है तो कुछ अपबीट ट्यून्स लगा लीजिए। और अगर आप दूसरों से कनेक्ट होने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो किसी कॉन्सर्ट में जाइए या किसी क्वायर में शामिल हो जाइए। अक्सर एवरीडे लाइफ, लव और नेचर के बारे में स्टोरीज बताते हैं। सेक्शन 7, द मैजिक ऑफ म्यूजिक, पर्सनल रिफ्लेक्शंस। म्यूजिक हमेशा से मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मुझे याद है बचपन में मैं अपने पेरेंट्स के बॉलीवुड रिकॉर्ड सुना करता था और म्यूजिक और उन स्टोरीज से मेस्मराइज्ड हो जाता था जो वो गाने बताते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने अलग अलग जेनर्स के म्यूजिक डिस्कवर करने शुरू कर दिए, क्लासिकल से लेकर रॉक और पॉप तक। म्यूजिक मेरे लिए खुद को एक्सप्रेस करने और दूसरों से कनेक्ट होने का एक जरिया बन गया। म्यूजिक से जुड़ी मेरी बहुत सी प्यारी यादें हैं। मुझे याद है टीनेजर होने पर मैं अपने पहले कॉन्सर्ट गया था और क्राउड की एनर्जी और म्यूजिक की पावर से बिल्कुल दंग रह गया था। 8, कंक्लूजन। म्यूजिक अ गिफ्ट टू चेरिश। म्यूजिक एक तोहफा है, ये एक पावरफुल फोर्स है जो हमें एक साथ ला सकती है, हमारे जख्मों को हील कर सकती है और हमें अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर कर सकती है। चाहे हम रेडियो पर अपना फेवरेट गाना सुन रहे हों या फिर किसी ग्रैंड कॉन्सर्ट में गए हों, म्यूजिक में हमारी दिन की पूरी फीलिंग बदलने की ताकत है। ये एक ऐसा सोर्स है जहां से हमें हमेशा वंडर और डिलाइट मिलता रहेगा। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बॉर्डर्स और कल्चर्स से परे है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम सब समझ सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं। म्यूजिक में हमें अपने इमोशंस से कनेक्ट करने, अपनी मेमोरीज से कनेक्ट करने और एक दूसरे से कनेक्ट करने की ताकत है। सुनिधि चौहान, नेहा कक्कर और श्रेया घोषल जैसी सिंगर्स ने अपनी ब्यूटीफुल वॉइसेस और सोलफुल रेंडिशन से हमारी जिंदगी को एनरिच किया है। उनके गाने हमारे दिलों को छू जाते हैं और सुनने के बाद भी बहुत देर तक हमारे साथ रहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि म्यूजिक में इमोशंस को इवोक करने और लास्टिंग मेमोरीज क्रिएट करने की कितनी पावर होती है। आइए म्यूजिक के तोहफे और इससे हमें मिलने वाली हर चीज को चेरिश करें। आइए नए म्यूजिकल होराइजन्स एक्सप्लोर करते रहें और